हम आ गए हैं और हम एथलीट लुक में आए हैं आज. सॉरी कोई बात नहीं, आज हम एथलीट लुक में आए हैं. सी माय ऑफ शोल्डर्स, या राइट, काट दो क्रैप. ओके सो गाइस, हाय गाइस, दिस इज मी पुलकित, वेलकम टू माय शो टॉक लिया एंड माय फेवरेट पॉडकास्ट जो मैं रोज करता हूँ और आ जाता हूँ दो तीन दिन में आपको तंग करने. यार वो मेरा काम है यार, आपको सुनाना, बिना इसके हो ना पाएगा. सो वेलकम माय टॉपिक लेस टपरी लिसनर्स. तो आज हम बात करने वाले हैं एक और अमेजिंग पर्सनालिटी से जो मेरी मेंटोर है, जिन्होंने मुझे इतना पागलपन जो है ना अभी तक वो होना सिखाया है और आगे भी सिखाती आ रही हैं, और अभी और इनसे बहुत सारी चीजें सीखनी है बिकॉज ये इतनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है ना भाई, गॉड इतना कुछ करती है और मैं सिर्फ कहता हूँ कि थक जाएगी, रुक जा, बट वो तो चली जा रही है बिकॉज वो हमारे साथ आज इसलिए भी जुड़ी है क्योंकि भाई अब इंटरनेशनल योगा डे है एंड शी इज योगा इंस्ट्रक्टर एज वेल एज वो और भी बहुत सारी चीजें करती है, पॉडकास्टिंग है, स्टोरी टेलर है, और क्या है मदरमा, आप और क्या क्या है बताएं प्लीज, थोड़ी तारीफ करें अपनी, एक दो चीजें. तो पुलकित आपने मुझे बहुत ज्यादा ही एडजेक्टिव्स के साथ जोड़ दिया है, बट आई कॉल माइसेल्फ स्टोरी टेलिंग योगिनी. सो दीज आर द टू ऑफ माय पैशंस व्हिच आई थिंक आई शुड बी नोन फॉर. पॉडकास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ माय स्टोरी टेलिंग जर्नी. सो आई हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस आई वाज अ किड. तो पॉडकास्टिंग भी एक तरीके से कहानी सुनाने का एक जरिया है. बाकी तो ठीक है, योगा भी किया है, योगा सिखाया भी है. तो राइट नाउ तो आई एम नॉट अ टीचर, बट यस आई प्रीच थ्रू माय योगा डायलॉग पॉडकास्ट. और उसमें मैं, मेरा पूरा एम है उस पॉडकास्ट का टू टेक द योगा ऑफ द मैट. तो दैट इज समथिंग विच इज माय पैशन टू प्रोपोगेट, कि कैसे आप योगा को योगा मैट के आगे रख सको. मतलब हर किसी को लगता है कि योगा मैट ही तक हम लोग जो एक घंटे क्लास में करते हैं वही योगा है, बट उसके बियॉन्ड लाइफ में कैसे उसे इनकॉर्पोरेट करना है, दैट आई टीच थ्रू माय योगा डायलॉग पॉडकास्ट. तो इन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी अपने लाइन में, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये मोहतरमा है कौन. चलिए मैं बता देता हूँ, इनका नाम है आकांक्षा थापड़ियाल. ये जो इन्होंने इतना ज्यादा, मैंने और इन्होंने इतना लंबा चौड़ा जो हमने ब्यौरा दिया इनके बारे में, ये सब कुछ करती है, बहुत कुछ करती है. तो अभी इतना ही है, इतना ही रखिए, उससे ज्यादा डीप में मत जाइएगा, इतना ही बहुत है. तो ये आजकल इतना कुछ कर रही है और इतना, मतलब कुछ करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और इतना डिवोशन चाहिए होता है अपने काम के प्रति, वो बहुत देती है. ओके तो कांक्षा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, प्लीज अलाउ मी. यस श्योर, करिए इरशाद. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आकांक्षा से हम पूछना चाहेंगे. आकांक्षा, यू, वी ऑल नो 21st जून इज योग दिवस. ओके, तो उसी से रिलेटेड है सवाल है कि हाउ इट रियली चेंज योर लाइफ अ योग. ठीक है, स्पेशली इन लॉकडाउन हाउ इट रियली हेल्प यू, बिकॉज यू नो बहुत टेंशन थी, बहुत ज्यादा दिमाग खराब था, मेरा तो था एंड आपका तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा था, बिकॉज यू वर डीलिंग विद ऑल दीस SOS कॉल्स एंड नंबर्स ऑफ योर रिलेटिव वर इन हॉस्पिटलाइज, वर नॉट फीलिंग वेल एंड यू वर जस्ट रनिंग कॉलिंग पीपल फॉर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर फॉर नंबर्स ऑफ थिंग्स. आप बहुत टेंशन में, सो कैसे, मतलब क्या, मतलब अब आपके पास बताइए. सो मेरी जो योगा जर्नी है वो बहुत पहले शुरू हो गई थी. सो 2013 में आई स्टार्टेड माय फर्स्ट योगा क्लास इन फेब्रुअरी 2013. सो बेसिकली योगा बहुत तरीके से मेरे लाइफ में आया है एंड इट हैज हेल्प मी आउट इन डिफरेंट वेज. व्हाट आई एम टुडे एज अ पर्सन, व्हाट आई एम टुडे एज अ राइटर, व्हाट आई एम टुडे एज अ ह्यूमन बीइंग इज बिकॉज ऑफ योग. अगर योग नहीं होता तो शायद मैं उतनी मैच्योरिटी नहीं ला पाती अपनी जिंदगी में, या उतनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीपल, उतनी लिबरल सोच नहीं रख पाती. तो योग का एक ओवरऑल
कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. मैंने तो सिंपल से रीजन के लिए ज्वाइन किया था योग, जो था कि वेट लॉस करना है, बैक प्रॉब्लम्स थी और वो सब ऑक्यूपेशनल डिजीज थे. बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करती थी जिनका टाइम टेबल थोड़ा सा मतलब इज नॉट गुड, लाइक रात को लेट लेट तक आना घर, सुबह जल्दी उठना. सो वजन बढ़ गया था, 10 प्रॉब्लम्स हो गई थी, साइनसाइटिस, माइग्रेन, जो बोलो बीमारी सब. मतलब 2011 में मैं 21 साल की थी और 21 साल की लड़की को दुनिया भर की प्रॉब्लम हो गई थी. ऑलमोस्ट माई बॉडी वॉज बिहेविंग लाइक अ 45 ईयर ओल्ड. सो इट वॉज अ हाई टाइम एंड डॉक्टर टोल्ड मी कि नहीं, अब तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए. वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था. तो योगा स्टार्ट किया. तो पहले एक साल तो ऑनेस्टली बताऊं, मतलब आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज कहीं से भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा था. I just lost 2 kgs. मतलब पहले लगता था कि आदमी को क्या जल्दी जल्दी वजन कम हो जाए कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है. तो इनिशियली इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट एंड देन बाद में पता नहीं मैंने एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होके अपने योगा सर को बोला कि सर मुझे ना बहुत इरिटेशन हो रही है, पीपल आर टेलिंग मी कि तू क्या योग वोग कर रही है, इससे क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, ये तुम जिम वगैरह कर वजन जल्दी लूज हो जाएगा. तो सर ने मुझसे पूछा, आकांक्षा ठीक है तुम वजन नहीं लूज करी ये मैं मानता हूँ, बट ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन एंड आई वाज टेकन अबैक एंड आई वाज लाइक नहीं यार क्या पूछा इन्होंने मुझसे. सो हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा एक फिजिकल आउटपुट चाहिए हमें हर चीज का, दिखने में बाहर का प्रेजेंस. तो हम बोलते हैं ना बाहरी जो हमारा कवच है उसके बुक के कवर पे हम लोग जज करते हैं. तो हम लोगों ने, मैंने भी एक आम इंसान की तरह, इमेच्योर इंसान की तरह बोला कि मुझे योगा से कोई फर्क नहीं पड़ा. बट ही आस्क्ड मी वन थिंग कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें लास्ट टाइम हेडेक कब हुआ था. एंड हेडेक्स वर वेरी कॉमन बिकॉज समवन हु हैज माइग्रेन, हु हैज साइनस, उसको हर दूसरे तीसरे दिन एसिडिटी या ये सब चीजें होती हैं. इफ समबडी इज लिसनिंग तो आई नो पुलकित के पास पुलकित तो होती है, पुलकित आई एम द रियल जीता दादा एग्जांपल. सो मैंने सर को बोला कि सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा. और सर कह रहे पहले कितना ज्यादा होता था. मैंने बोला पहले तो हर 10 दिन में होता था. I realized within those 9 months of doing yoga, 9 or 10 months of doing yoga, मुझे hardly 2 or 3 times हुआ उस इतने महीनों में. And वो भी तब हुआ कि जब मैंने ज्यादा, जैसे कभी एसी से बाहर निकल जाते एकदम ही गर्मी में और वैसा वाला हो जाता ना ठंडा गर्म, तो उस तरीके का कुछ सरदर्द था. ऐसा नहीं हुआ कि induced कि घर पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं हो रहा था एंड आपको वो हो गया headache. Then he asked me, मेरा स्पाइन, मेरा बैक इश्यूज बहुत थे तो बैक पेन कैसा है. बोला बैक बिल्कुल ठीक है. एंड व्हेन ही टोल्ड मी दिस आई वाज लाइक ओके. और अच्छा मुझे एंगर इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे थे. तो क्या, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, एक अनहेल्दी माइंड बॉडी माइंड पे फर्क पड़ते हैं. तो मुझे इरिटेशन भी होती थी. प्लस मैंने क्या किया था, मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी और मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया था. वो एक बहुत ही अलग वो था. और मतलब ऐसा बोला जाता था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कि अगर आप रेडियो में जा रहे हो तो आपका डिमोशन हो रहा है. तो कहीं ना कहीं से वो अंदर एक बहुत ही चुभन थी कहीं ना कहीं से जब ज्वाइन किया था मैंने रेडियो. पर मुझे लगा कि बाद में कि योगा ज्वाइन करने के बाद सब कुछ अच्छा लगने लग गया था अपने आप से. आई रियलाइज कि योगा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो, मतलब तब तक मैंने टेक्स्ट भी पढ़ा था योगा का जो अपने आप, बिकॉज हमारे गुरु इतने अच्छे थे, योगा गुरु शैलेंद्र सर को मैं पूरा क्रेडिट दूंगी इस चीज के लिए. उन्होंने हमें इस तरीके से वो गाइड किया था कि योगा का एक कोट है, योगा कर्मासु कौशलम, यानी कि अगर आप कोई भी काम अच्छे से कौशलता के साथ अपने पूरे मन और अपनी लगन से करते हैं तो अपने आप वो योग कहलाती है. तो वो एक्चुअली जब मैंने अपनी लाइफ में देखा कि कहीं ना कहीं से मैं वो चीज इनकलकेट कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट विदाउट इवन नोइंग दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ योगा का फिलॉसफी, आई रियलाइज्ड कि मतलब जरूरी नहीं है पतला होना, जरूरी नहीं है बॉडी शेप कैसी है आपकी. क्योंकि मुझे तो कई बार बोला जाता है मुझसे बल्कि जब मैं सिखाती भी थी तो कुछ आके भी बोलते थे महापुरुष लोग कि आप तो योगा सिखाती है पर आप तो खुद भी मोटे हो. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, मतलब दे यूज टू क्वेश्चन मी दिस थिंग एंड आई यूज टू से कि तो क्या हो गया. इनिशियली थोड़ा बुरा लगता है बट धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगी. तो ये सब पूरे योगा की जर्नी में, और कहीं ना कहीं से मेरे सर को मुझ पर भरोसा था कि मैं एक टीचर बन सकती हूँ. तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग करी, वो भी 500 आवर्स की योगा टीचर्स ट्रेनिंग थी. तो काफी, मतलब मेरा
पूरा जो 20s था वो मेरी पूरी बहुत मेहनत में लगा है लिटरली. मतलब वीकेंड्स पे लोग हौस खास के प्लान बनाते थे, सीपी के प्लान बनाते थे, एंड आई लव ट्रैवलिंग. तो मैं बहुत ही कम होता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती थी. आई यूज टू लव बींग इन द योगा क्लास, सो दैट वॉज माई हैंग आउट जोन. एंड द पीपल आई मेट ड्यूरिंग दोज डेज, जैसे बोलते हैं ना सत्संग, तो उसी तरीके का था उन लोगों के साथ. मतलब अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करना, योगा के बारे में बात करना, लाइफ के बारे में बात करना, योगा की किताबें पढ़ना, योगा की फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करना. तो कहीं ना कहीं से जो पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, सब पढ़ा है मैंने योगा में. तो वो चीज जब आई तो अपने आप ऐसा लगा कि यार आई डोंट नीड those outings, superficial outings, जो मुझे बस social media में डालने के लिए चाहिए, fancy बनाने के लिए चाहिए. And I used to love my work. मैं अपना जो creative process मेरा radio में था वो बहुत ही मजेदार था, तो वो भी मैं करती थी, बहुत मजा भी आता था वो करने में. तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा office मेरा playground है और मेरा योग जो मेरा है वो मेरा office है. मतलब वो मुझे कुछ सिखा रहा है, उधर मैं कुछ सीख रही हूँ. तो मैं उसको एज अ योगा क्लास को वो समझती थी. फिर मैं जब सिखाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता था लोगों से, स्पेशली फॉर माई मेडिटेशन सेशंस. एंड आई यूज टू लव इट बिकॉज मुझे मेडिटेशन ना स्टोरी टेलिंग जैसी लगती थी. तो कैसे भी आप अपने लिसनर्स को, तो कहीं ना कहीं से पॉडकास्टिंग की शुरुआत मेरी मेडिटेशन से हुई है. मुझे सब कहते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मेडिटेशन कराते हुए, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं. तो क्या होता है ना मेडिटेशन में, आप बोलते हो कि अपनी आईज क्लोज कीजिए और अब सांस लीजिए, अब इमेजिन कीजिए आप कहीं बहुत ही सुंदर जगह में हैं, ऐसी जगह जहां आप जाना चाहते हैं. तो आप अपने आप ना धीरे धीरे करके ना वो एक एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं अपने आंखों के सामने ड्रॉ करते जाते हैं. एंड जब मैं वो करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कितना मजा आता है ना. एंड आई ऑल्सो यूज टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू दैट प्लेस माई सेल्फ. And I used to get those feelings. और वो इतना मन से होता था ना वो प्रोसेस कि वो अपने आप इतना अच्छा लगने लग गया. तो बाद में थोड़ा मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2018 में, मेरी ACL टियर हुआ था. उस टाइम पे एक अपने आप से कॉलिंग आई मेरे पास कि मुझे अब योगा सिखाना नहीं है फॉर मनी. आई वॉन्ट टू मेक इट अ पर्पस ऑफ माई लाइफ, पर्पस ऑफ माई लाइफ इन अ वे दैट इफ समबडी नीड्स मी आई विल हेल्प देम आउट. And I, of course, पूरी तरीके से योगी बन के रहना is impossible. तो वो तो नहीं कर सकती, बट योगा का एक प्रिंसिपल ये भी है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों चीजों को सीखिए, बहुत चीजों को समझिए. तो वो सब मैं अपनी तरफ लाइफ में करती आई. एंड ये सब होने के बाद जब मैंने मास्टर्स इन योगा भी किया और फिर मैंने QCI लेवल एग्जाम्स भी दिए, और ये सब मैं सब अपने मजे के लिए दे रही थी. मैं कोई टीचिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं मजे के लिए दे रही हूँ बिकॉज मुझे योगा पसंद था. आई स्वेयर जब मैंने MBA किया था तो मैंने ये सोचा था कि वो एक आखिरी किताब होगी जो मैंने लास्ट फाइनेंशियल या उसका फाइनेंस का एग्जाम दिया था. तो मुझे लगा था बस अब मुझे और नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं करनी जिंदगी में. बट कहीं ना कहीं से योग मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, उसने अपने आप मुझे अपनी तरफ पुल किया कि आज भी मैं खाली बैठती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ योगा से रिलेटेड चीजें. और मुझे नहीं पता कि मुझे कितना मजा आता है. इट्स फॉर मी स्टडिंग योगा इज ऑल्सो लाइक यू नो वॉचिंग अ शो ऑन नेटफ्लिक्स. मतलब वो वाला काइंड ऑफ फीलिंग आती है. एंड आई नो इट्स अ वेरी गीक थिंग टू से बट आई लव इट. एंड पूरा जो प्रोसेस रहा ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो, तो योगा में जैसे तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे लॉकडाउन में हेल्प हुई, सो दैट मींस प्राणायाम एंड चिल. यस, तो ऑफकोर्स पता है क्या होता है, आप जब योगा टीचिंग करते हो तो आपको आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिल्कुल सेन हो, आप बिल्कुल फिट हो, आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो, इस तरीके से आपको कंसिडर किया जाता है. तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले इस बारे में पोस्ट डाला है कि स्टॉप जजिंग अस लाइक द पीपल हु आर इन टू योगा, यू नो, टू बी लाइक दैट, हैव परफेक्ट फिगर, हैव ब्यूटिफुल स्किन, यू नो, हैव परफेक्ट मेंटल हेल्थ. तो ऐसा कुछ नहीं होता है जो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना 100% परफेक्ट, इज नथिंग परफेक्ट. सो योगा नेवर टेल्स यू टू बी परफेक्ट. योगा टेल्स यू द प्रोसेस ऑफ बीइंग परफेक्ट, लाइक रीचिंग परफेक्ट इज इटसेल्फ अ लर्निंग पीरियड. तो कहीं ना कहीं से अगर हम मैं देखो खुद भी कई बार कंसिस्टेंट नहीं होती हूँ योगा के लिए. आई ऑल्सो स्किप अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो देर आर लाइक मैंने लिटरली अपने टू डू लिस्ट में मेडिटेशन लिखना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं कर पाती. तो जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था तो आई मेड श्योर दैट चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक लॉकडाउन से
फॉर्चुनेटली लॉकडाउन से पहले मैंने आइडेंटिफाई कर दिया था कि यार ये चार पांच प्रोसेस ना मुझे रोज करने हैं, जो है कि लिस्टिंग ऑफ व्हाट आई हैव टू डू टुडे, प्रोबेबली लाइक अ जर्नलिंग टाइप ऑफ थिंग, नॉट अ प्रॉपर जर्नल जर्नल, बट ऐसी जर्नलिंग टाइप की थिंग करती थी मैं, जिसमें लिखती थी अच्छा मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है और क्या मुझे करना है आज. एंड वो करने के बाद मैं सुबह जरूर वॉक करने जाती थी बाहर. और जब मैं वॉक करती थी तो योगा की एक चीज होती है, आप अपने बेली में हाथ रखो और बेली को ऊपर नीचे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं. तो मैं वॉक करते करते एब्डोमिनल ब्रीदिंग करती थी, मुझे क्योंकि बहुत एंजाइटी होती थी, लाइक एवरीबडी जिसको लगता है ना दिल धक 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 करके बाहर आने वाला है, ऐसी फीलिंग जो आ रही है वो अभी भी आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई है. ऑफ कोर्स देयर आर डेज व्हेन आई एम वेरी एंग्जियस एंड इट स्टिल हैपेंस दैट काइंड ऑफ यू नो पैल्पिटेशंस एंड ऑल, पर मैं वो सब करती थी जो एक लिटरली एंजाइटी वाले पर्सन को मैं खुद सजेस्ट करूंगी करने के लिए, क्योंकि मुझे जरूरत थी उस टाइम पे. मैंने प्राणायाम किया, मैंने योग किया, मैंने रनिंग की काफी, घर पे जितना एक्सरसाइज हो सके, एंड मोस्ट ऑफ इट, मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर लेट माई सेल्फ सिट आइडल. आई हैव दिस थिंग दैट मेरा या तो कंस्ट्रक्शन में ही ये प्रॉब्लम है, जो तुमने भी मुझे कहा कि आई एम ऑलवेज बिजी. It's just because I have kept myself busy and I want myself busy because I'm always full of energy. मुझे ऐसा भले ही body थक जाती है but दिमाग active है, creative है, so it wants to do something or the other. तो कहीं ना कहीं से जो energy, जो mental energy मुझे मिलती है वो maybe because इतना योग किया है, इतने ज़्यादा चक्रों को, चक्रास को activate किया है, शायद से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कि वो energy बाहर निकलती है. तो योगा ने बहुत सीनिटी दी है. योगा इज लाइक दैट पेपर वेट, इज लाइक दैट पतंग का मांजा फॉर मी, यू नो विच अगर वो हट गया तो मुझे ऐसा लगता है मेरी तो पतंग कट गया, कट जाएगी. इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो. सो लाइक हाउ यू डील विद दिस सी 2.0 लॉकडाउन, फिर वो क्या था, कैसे किया, लाइक वो टाइम बहुत बुरा था तुम्हारे लिए, फिर कैसा गया? तो मेरे साथ अभी जो रीसेंट दो तीन महीने गए हैं, उससे पहले वाला तो मेरा जैसे तैसा मैंने काटा अच्छे से, क्योंकि आई वॉज इन देहरादून. अभी मैं नोएडा में हूँ, तो देहरादून में तो मतलब मैं पहाड़ के पास रहती हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं हील हो जाती हूँ कैसे ना कैसे करके. बट अब जब मैं सिटी में आ गई हूँ एंड आई एम मिसिंग पहाड़ सो मच, तो और उसके साथ साथ ये पिछले दो तीन महीने में जो इतना क्राइसिस हुआ है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आई न्यू, you know, they are no more with us, and there are people who I considered mentors, they are also not. तो ऐसा लगता है ना कि जैसे अब बचा क्या है. मुझे अपने आप से ऐसा लगता था कि मैं बैठे बैठे ना मैं लंबी लंबी सांसें लेती रहती थी. एंड अगेन आई kept myself extremely busy. मतलब मुझे पता है कि मुझे एक घंटे पहले मैंने किसी की डेथ की न्यूज सुनी है, बट दैट डजंट मीन कि मैं रुकूंगी. आई मेड श्योर दैट आई टुक दैट ब्रेक ऑफ लिटिल बिट, लाइक ऐसा नहीं होता था कि उस दिन मैं पूरी तरीके से एकदम से नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा. आई यूज टू मेडिटेट दैट डे, आई यूज टू डू माई वर्कआउट, लाइक थोड़ा कम करती थी जितना मतलब मुझसे हो सके. मैं अपने आप को ज्यादा पुश भी नहीं करती थी, बट आई मेड श्योर कि एटलीस्ट अगर मैंने 10 चीजें लिखी है ना टू डू लिस्ट में, तो मैं कम से कम 5 टिक ऑफ कर सकूं. ये ना हो कि मुझे बाद में बुरा लगे, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने अपनी जिंदगी से तो हाथ चले गया उसकी जिंदगी से, यू नो, बट कहीं मेरी जिंदगी ना रुक जाए. एंड देर इज सो मच इन द वर्ल्ड टू डू, एंड देर इज लाइक ऐसा लगने लग गया था ना उस टाइम पे कि यार कुछ भी नहीं बचा यार, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों भाग रहे हैं. वो जो फीलिंग होती है ना थोड़े टाइम तक, तो ऑफ कोर्स आई ये भी मैंने चीज सीखी ड्यूरिंग लॉकडाउन की अगर कुछ बुरा होता है तो बुरा फील करो, एकदम से पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू फील, यू हैव टू लेट इट गो, लाइक लेट दैट फीलिंग ऑफ सैडनेस आउट, यू नो. तो थोड़ी देर सर्व करो, थोड़ी देर बुरा फील होगा अच्छी बात है, लेट इट आउट, रो लो, बुरा फील करो, मे बी टेक अ ब्रेक ऑल्सो, यू नो. आई took a break few times, और मैं actually उस time पे कुछ अपना writing project कर रही थी. तो मतलब I hear you, अगर आपने सुना होगा Spotify पे,
तो वो शो मैं लिख रही थी और उसका सीजन का एंडिंग चल रही थी, तो इमेजिन कीजिए वो शो अगर आप सुनते होंगे तो उसका जॉनर भी क्या था, क्या है, हॉरर एंड थ्रिलर। तो वहां पे भी मैं मौत, लाशें, भूत, प्रेत इनकी बात कर रही हूँ, और रियल लाइफ में भी मतलब यू आर सराउंडेड बाय सच नेगेटिव नेगेटिव न्यूज, तो कहीं ना कहीं से मतलब आई कुड फील दैट यू नो एवरीथिंग अराउंड मी इज सो नेगेटिव। तो उसमें सिर्फ योग ही था जिसने मुझे बचा के रखा, एक शेड्यूल जो था मेरा रोज का उसने मुझे बचा के रखा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये मेडिटेशन करना है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने एक शेड्यूल से शेड्यूल के से बंधे रहते हैं तो आप अपने आप सॉल्यूशंस आपके पास आते रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको लगता है चलो एटलीस्ट एक चीज तो ठीक है लाइफ में, बाकी तो जो भी हो रहा है बाकी अनसर्टेन है। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या बचा है, चीज जो आपके हाथ में है वो है आपका शेड्यूल। आप उसको कैसे, आपके जो 24 घंटे हैं आप उसको किस तरीके से बिताते हैं वो आपके हाथ में। दूसरे का 24 घंटा, पुलकित शर्मा का 24 घंटा, निखिल का 24 घंटा क्या उसको कराता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने 24 घंटे से लेना देना है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज फील एंड आई ऑलवेज बिलीव इन। या तो काफी आपने वो फेज आपने जैसे जैसे निकाला, अपने आप से अपने आप को समझाया, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करा, अपने आप को यू नो तसल्ली दी, कोई बात नहीं, खराब टाइम है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट एक पॉइंट पे आके इंसान टूट जाता है, पक्का खत्म हो गया। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट, शायद कुछ महीने और शायद चले और फिर ठीक हो जाए, फिर यू नेवर नो, बट पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट। ओके यार, हाउ कैन यू हेल्प यू एंड अस मेंटली एंड फिजिकली बाय योग, कैसे? सो जैसे मैंने आई थिंक अ लॉट ऑफ इट आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय जर्नी दैट हाउ इट हैज हेल्प मी लाइक कॉन्स्टेंटली। देखिए योग जो है वो एक घंटे की एक्सरसाइज से नहीं होता, तो देखिए योगा आसन और ये सब तो बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो मैं वो मेंशन नहीं करूंगी कि कौन से आसन करने चाहिए या कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो एवरीबडी नोज व्हाट इज द बेसिक थिंग, सूर्य नमस्कार, दो चार आसन, ये तो सबको पता है। योगा प्रोटोकॉल में भी हमने जो पिछले योगा डेज गए हैं उनमें देखा है कि क्या क्या आसन होते हैं, क्या क्या बेसिक्स है, ये सब बेसिक्स है जो हम सबको कहीं ना कहीं पता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इंसान को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 30 मिनट्स ऑफ योग, जस्ट 30 मिनट्स, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि आप 15 से 20 मिनट आपने योग किया, आसन किए, आसन करने के बाद आपने 5 मिनट प्राणायाम किया तो आप, और 5 मिनट आपने ध्यान लगा दिया। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि यार ऑफकोर्स ध्यान लगाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, आसन से भी डिफिकल्ट है ध्यान लगाना, बट आपने आसन किए, बेसिक किए, सूर्य नमस्कार किया, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स किया जो बेसिक करना ही है, उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं कोई भी, जो भी आपको लगता है, अनुलोम विलोम कर दिया, भ्रस्तिका, भ्रामरी, बहुत सारे हैं। और ध्यान लगाने का मतलब ये है कि बस थोड़ी देर स्टैचू की जैसे बैठ जाइए और सांस पर ध्यान दीजिए, बस ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ध्यान नहीं लगाना है, ओम चैंटिंग कर लीजिए। ओम भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं भाई मैं धर्म वर्म ये सब नहीं मानता हूँ ओम क्यों बोलूं, तो अगर आपको लगता है ऐसा भी है तो कुछ नहीं करना, बस हमिंग साउंड निकालिए करके, दैट्स इट। मैं ये तीन चीजें जो हैं, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये तीनों साइड बाय साइड हैंड इन हैंड जाती हैं, एंड अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली करें, देखिए कंसिस्टेंसी से कुछ भी करो ना आप अपना काम, तो वो परफेक्शन की तरफ जाता ही है। अगर आप एक दिन में 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, पूरा एक घंटा दो घंटा मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं घंटा भर लगा के, चलिए आपने 4 घंटे का योग को डेडिकेट कर दिया समय, बट नेक्स्ट डे नहीं किया वही चीज, तो वो फायदा नहीं है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ये कोई एलोपैथी की गोली नहीं है जो आपने एक रात खाई और नेक्स्ट डे आपका सर दर्द चले गया, इनो नहीं है, एक बार 30 सेकेंड में काम हो गया। It has to be done every day, every single day without fail. जैसे आप दंत मंजन करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, it has to be incorporated.
रॉबिन शर्मा की बुक में भी ये लिखा है, 5 AM क्लब में भी उन्होंने मेंशन किया इस बारे में कि परफेक्शन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की टू परफेक्शन. तो कंसिस्टेंट हो गए आप किसी भी चीज में तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे. जैसे मैं पुलकित तुम्हें भी बोलती हूँ कई बार कि यू नो बी एट इट. कहीं ना कहीं से तुम जब किसी चीज की तरफ ऑनेस्टी दिखाते हो, हैज एन इफेक्ट ऑन यू. जैसे मैंने अपनी जर्नी में भी बताया था कि 9-10 महीने तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आए. बट व्हेन आई डिडंट लीव योग जस्ट लाइक दैट, क्योंकि बॉडी में नहीं आया, मैंने उस पर भरोसा किया, कंसिस्टेंटली उसे किया, तब जाके आया. थोड़ा टाइम लगता है हर किसी की जर्नी में, फल जो है ना वो देर देर सबके अपने हिसाब से मिलता है सबको, पर मिलता है. यू हैव टू बी कमिटेड टू योर वर्क, योर योग प्रैक्टिस और योर पॉडकास्टिंग, एनीथिंग इन लाइफ. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. तो मतलब कंसिस्टेंसी इज द की. यस. योग सीखने का इंस्पिरेशन आपको कहां से आया? आई नो आपने अपने गुरु का नाम दिया है, उनसे तो जरूर आया होगा. अदरवाइज ऐसा क्या पागल बना लगा कि यार कुछ ना कुछ तो है, कोई कीड़ा तो है मेरे माइंड में आ गया, तो इसको करना ही पड़ेगा. लाइक व्हाट रियली हिट यू? तो योगा मैंने जब शुरू किया था 2013 में, तो 2012 में मेरी बहुत बुरी हालत थी, तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया योगा करने का. एंड जब डॉक्टर ने बोला तो लगा कि ठीक है योगा कर लेती हूँ, बिकॉज उससे पहले मैं सब कर रही थी, भागना, दौड़ना, साइकिलिंग, जिम, पर कुछ हो नहीं रहा था बिकॉज स्ट्रेस था कहीं ना कहीं अंदर से. तो डॉक्टर ने जब मुझे बोला तो बेसिकली उसी से मुझे लगा कि हाँ यार कर लेते हैं स्टार्ट. फिर मैं एक तारा स्टाइल्स करके एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं यूएस की, उनको मैं फॉलो करती थी यूट्यूब पे. एंड पहले तो जब मैं फ्री फंड में जो घर में यूट्यूब पे देख के वीडियोस योगा करते हैं, पहले आप ट्राई करते हो कि आपको कोई नई चीज़ बताई गई है तो आप ट्राई करते हो आप, क्योंकि दिमाग में सब तो लगता है यार योगा, अरे यार वो तो बड़ा स्लो चीज़ है. बट जब मैंने तारा स्टाइल्स की वीडियोज में देखा तो वो ऑफकोर्स इट वॉज अ लिटिल बिट मतलब थकाने वाला योग था वो. तो मुझे नहीं पता था तब तक कि वो पावर योग होता है, अष्टांग योग होता है, बहुत सारे योगा के टाइप्स होते हैं. तो शी यूज्ड टू डू मतलब वो फॉरेन की शिल्पा शेट्टी थी. हाँ मतलब फॉरेन की शिल्पा शेट्टी समझ लीजिए, पता नहीं बट कहीं ना कहीं से मैंने योगा एट होम करके यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे उनकी वीडियो मिली. एंड मैंने उनकी वीडियो देखी, फॉलो करी, और फिर क्या हुआ कि पता चला कि योगा योगा गुरु इंस्टीट्यूट मेरे घर से बहुत ही पास में है. तो मैंने सोचा चलो ठीक है भैया, अब तो जब घर के पास कोई इंस्टीट्यूट है अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता. पहले ये होता था कि यार बहुत दूर है तो कौन जाएगा, तो घर के पास ही है बिल्कुल, 5 मिनट्स का रास्ता है तो क्यों नहीं जाओ. तो फिर मैं तब उधर जाने लग गई. और फिर सर के साथ ऑफकोर्स एक पुश मिलता था मेरे, मैं तब भी बहुत अनकंसिस्टेंट थी, मैं जाती नहीं थी ज्यादा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सुबह, और मैं जब सोती थी तो सुबह अगर बैठे मैंने क्लास मिस कर दी, 7-8 होता था बैच, तो मेरी मम्मी ना मुझे लात मारती थी कि उठो भाई जाना है. मतलब लात ऐसे नहीं कि लिटरली लात मारना, इट्स जस्ट दैट कि शी यूज्ड टू कम टू माय रूम एंड अगर मैं नहीं उठी 7 बजे जाने के लिए तो वो ताना मारती थी बेसिकली. और उस ताने में इतनी पावर थी कि उसके बाद अगर बाय चांस मैंने क्लास मिस कर दी और मैंने कुछ बाहर का खाना खा लिया, एंड शी गॉट टू नो अबाउट इट, तो शी यूज्ड टू से हाँ हाँ खा लो, फिर मोटापा और ये सब आएगा तो फिर मत बोलना कि मैं मोटी हो गई. तो ये चीजें जो थी, थोड़ा सा मम्मी का ताना, थोड़ा डॉक्टर का कहना, थोड़ा तारा साइंस की वीडियोस देखना, फिर हमारे क्लास में एक सर आते थे, मतलब बेसिकली ही वाज अबाउट टू रिटायर, ही यूज्ड टू वर्क इन टाइम्स ऑफ इंडिया, आई स्टिल रिमेम्बर, रमेश अंकल थे, वो आते थे. उन्होंने जब मुझे योगा करते हुए देखा, उन्होंने बोला बेटा तुम तो बहुत अच्छा योगा करती हो, तो तुम रेगुलरली क्यों नहीं आती हो? तो अंकल जी ने मेरा नंबर लिया और जिस दिन मैं नहीं आती उस दिन मुझे फोन करके डांट कर. अंकल का खौफ, मम्मी का खौफ, और धूम म्यूजिक बजता था,
और बेटा क्योंकि जिंदगी भर डंडों की आदत थी, तो डंडे वही 2 दिन पहले एग्जाम की पढ़ाई करने वाली एक लिटरल एक नॉर्मल इंसान हूँ भाई मैं भी, तो वो जो ताने और ये सब हुए तो ऑटोमेटिकली बंदा लाइन पे आ गया। तो समझ लो मैं इसीलिए मैंने योगा किया और हो गया मेरे नैया पार योगा करते करते, फिर आदत ही बन गई एक टाइम के बाद तो। हाँ। और मैं आज के टाइम पे इंडियन योगिनी कहलाती हूँ। जी मैंने अपनी जर्नी इनटू योग जब मैंने रेडियो में जॉब छोड़ी थी तो मैंने योगा ही सोचा था, 2 साल मैंने योगा ही करा तो तब मैं इंडियन योगिनी के नाम से कहलाती थी। अब मैंने वापस से अपना पॉडकास्टिंग और रेडियो से रिलेटेड ऑडियो से रिलेटेड चीजें शुरू कर दी हैं, तो अब मैं अपने आप को स्टोरी टेलिंग योगिनी कहलाती कहती हूँ। तो या आप घर बैठी बैठी आज ही करती हैं, डोंट वरी, वी लव योर वॉइस। थैंक यू सो मच। ओके सो लाइक हम एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे अलग से अबाउट दिस पॉडकास्टिंग अबाउट करियर ओरिएंटेड काइंड ऑफ प्रोग्राम काइंड ऑफ थिंग, तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कैसे ये कैन यू नो। अभी आज हम योग योग कर रहे हैं अभी ओनली, ठीक है, ओनली ब्रीदिंग एंड इनहेल एक्सहेल व्हाटएवर इनहेल एंड एक्सहेल हम वही करेंगे। इनहेल और एक्सहेल के बीच में, इनहेल और एक्सहेल के बीच में दिमाग में क्या हो रहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है वहाँ पे, बट हम उसका जरूर बात करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, हम उस बारे में जरूर बात करेंगे। ओके अभी तक का मतलब योगिनी आपको बने हुए सिंस 2011 से लेकर 2021 ऑलमोस्ट 10 ईयर, ठीक है, लाइक अभी तक का कोई मोटिवेशनल कुछ ऐसा कमेंट जो आपके चक्षु खोल दे, ओ माय गॉड आई एम स्टार नाउ, वो कम ऑन बेबी अब आ जाओ, समथिंग लाइक दैट, एंड एक वर्ड्स कमेंट जो आपको लगा अबे यार इनका तो मुंह मैं बंद नहीं कर सकती, अभी बोलना खोलते रहो, मैं तो अपना काम करते रहो, तो ऐसे ही दो कमेंट जो आपको लगे जो आपके चक्षु खोल दिए हो और जो आपके दिल तोड़ दिए हो, दो। तो पहले दिल तोड़ने वाली की बात करते हैं, पहले करेला खाएंगे फिर गुलाब जामुन। तो बहुत बार करेले खाया है, बहुत बार, स्पेशली बिकॉज इतनी पढ़ाई वढ़ाई करी और ये सब किया, उसके बाद लोगों ने बोला अरे योगा कर रही है क्या हो गया भाई तुझको, तू तो मीडिया में थी तू योगा क्यों कर रही है। तो उस टाइम पे योगा वॉज नॉट वेरी फैंसी, नाउ तो इट हैज बिकम अ वेरी फैंसी फैंसी स्टफ ना। So when I did my yoga course, even I thought it wasn't fancy. So मैंने 2014 December से लेके April तक अपना yoga course किया था, and April में yoga day announce हुआ था कि yoga day होने वाला है, and I was like यार ठीक है yoga day होने वाला है तो क्या हो गया, yoga day तो ऐसे बहुत days होते हैं जिंदगी में, कौन सी कोई बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत सही चीज हो गई, ये तो मतलब अच्छा है, चलो अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो कर लेते हैं योगा डे वगैरह में भी थोड़ा पार्टिसिपेट, तो तब अच्छा रहा। मतलब उस टाइम पे लोगों ने बहुत बोला कि क्यों कर रहे हो क्या है, फिर बाद में लगा ओहो ये तो योगा डे में भी, रीबॉक के साथ भी मैंने इवेंट्स करे, फिर न्यूज में भी फीचर हुई, जी न्यूज में भी मैंने एक बार शो किया था, और काफी जगह न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी मुझे फीचर किया था टॉप 10 योगिनीज में इंडिया में, तो मुझे ऐसा लग रहा गया ओहो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आई एम जस्ट अगेन इट केम विद कंसिस्टेंसी, बहुत लगानी पड़ी, बहुत रोज रोज पोस्ट करना पड़ा, आई हेटेड डूइंग ऑल ऑफ दैट, यू नो ये सब करना, ये सब मुझे नेचुरली नहीं आता था, तो करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं से वो था, तो दोनों चीजें अच्छी हुई। और सबसे अच्छा कॉमेंट अगर मैं बोलूँ तो मतलब ये सब तो सुपरफिशियल है प्रमोशन और ये सब, सबसे अच्छी चीज मेरे साथ ये हुई कि जब मैंने फौज में लेडीज को योगा सिखाया तो मुझे लेडीज ने लिटरली मतलब दे टोल्ड मी कि बिकॉज ऑफ माय क्लासेस उनके उनका थायराइड लेवल्स कम हो गए, शुगर लेवल्स कम हो गए, उनको मेंटली बहुत अच्छी फीलिंग्स आने लग गई, मतलब वो मेडिटेशन मतलब मेरी क्लास के लिए वो उनको वो मेरी क्लास में जब आती थी तो वो बहुत खुश होती थी लेडीज सारी, उनको लगता था कि वो मेरे से एक पर्सनल कनेक्शन जो बनाया हुआ था उन्होंने वो इतना प्रेशियस था कि वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट टाइम्स इन माय होल लाइफ। तो दैट वाज आल्सो वन थिंग व्हिच हैपेंड। तो अच्छा था सब, तब अच्छा हुआ योगा से, अच्छा हुआ, बुरा चीज होती थी बट योगा इतनी अच्छी चीज है ना कि वो बुरे को भुला देता है।
अच्छी चीजें याद रहती है आपको, बुरी चीजों को जल्दी जल्दी डिलीट कर देता है वो, उसे ट्रैश में और फिर डिलीट पूरी तरीके से कर देता है कहीं ना कहीं से। तो ज्यादा सोचती नहीं हूँ मैं, इसलिए अब आते हैं बुरे कमेंट्स तो आएंगे। ओके सो गाइस, अगर ऐसा ग्लो चाहिए जो इसके पास है और ऐसा वाला ग्लो चाहिए बिकॉज ये लाइट है, तो योगा करो, योग करो, एंड ऐसा वाला जो ग्लो जो मुझे अभी कैमरे पे दिख रहा है वो बिना रिंग लाइट वाला वो मिलेगा। रिंग लाइट की जरूरत ही नहीं है, नेचुरल ग्लो मिल जाएगा। अनम्यूट करो देवी। इस ग्लो में, ग्लो के बीच में पिंपल्स भी है वो दिख नहीं रहे होंगे किसी को। डोंट वरी, मेरे भी है, मेरे भी है, डोंट वरी, ये घरौंदा है इनका। बहुत दूर एक बल्ब जल रहा है, लाइट अच्छी है उसकी मतलब। बट ये है कि हाँ, ग्लो मैं मानती हूँ ग्लो है, बट पिंपल्स के साथ वाला ग्लो है। डजंट मैटर, ग्लो है ना। पिंपल क्यों देखते हैं, जब डिम्पल हो तो पिंपल। ग्लो देखो, चेहरे का देखो, यही योगा सिखाता है। पिंपल्स आप नहीं देखते हो तब आपको सिर्फ अपनी शक्ल के डिम्पल्स दिखते हैं। एग्जैक्टली, यही तो बात बोली मैंने, सही पकड़े हैं। ओके, how you are going to celebrate this year Yog Divas, and any positive message for our listeners and for the viewers who are watching this on YouTube, सबके लिए एक homogeneous, एक universal message भी दे दो, और पहले बताओ कि क्या चाहिए, कैसे celebrate करने वाली Yog Divas इस बार। इस योग दिवस मैं अपने योगा डायलॉग पॉडकास्ट का नेक्स्ट सीजन लाने वाली हूँ। सो दिस इज समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन, एंड अब मैं उसमें एक और अपने साथ, मेरे साथ एक और फेलो योगिनी है जो मेरे ही इंस्टीट्यूट से हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हर नेम है सुप्रिया। सो सुप्रिया और मैं मिलके दोनों के दोनों योगा डायलॉग होस्ट करने वाले हैं और योगा के बारे में बातें करने वाले हैं। सो दिस इज आवर एम, एंड वी वॉन्ट टू कैप्चर some very interesting topics, और बिल्कुल typical yoga related बातें नहीं होंगी, बहुत तरह तरह की FAQs जो है उनको लेकर हम बात करेंगे कि frequently asked questions क्या होते हैं योग में और उनको किस तरीके से, हम बड़े cool तरीके से try कर रहे हैं इस बार podcast को launch करने का। और अगर योग दिवस में कहा जाए कि क्या knowledge देनी चाहिए, तो of course consistency वाला तो मैंने बात ही की थी कि consistently आप कीजिए तो ही असर आएगा, ये कोई पिल नहीं है, इट विल टेक सम, इट टेक्स टाइम। एंड दूसरी चीज, एक और मेरे योगा डायलॉग पॉडकास्ट में भी एक मैंने बात करी है अनेकांतावाद की, कि इस समय जब इतना ज्यादा हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही हैं, हर जगह से लोग कुछ भी पास ऑन करते हैं नॉलेज और ये सब करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंसान की ग्रोथ में, योग में भी कहते हैं इंसान की ग्रोथ में, बहुत जरूरी है कि आप इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन मानने से पहले उसको सर्च करें उसके बारे में। अगर आपको कोई कहता है कि एक्स वाई जेड मेडिसिन से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, तो जाइए ऑनलाइन लाइब्रेरी में, जाइए बुक्स लीजिए, पढ़िए उसके बारे में, वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द यू नो कि वही लास्ट ट्रूथ है। तो एक हमेशा मतलब याद रखिए, योग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बात है राइट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपकी वहीं ग्रोथ कम हो जाती है। तो योगा में जो ग्रोथ है वो उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी आपने आसपास चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो रीचेक कीजिए, फैक्ट्स को चेक कीजिए और तभी उसे सच मानिए। तो दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू गिव एज अ पर्सनल मैसेज टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। एक अवेयर सिटीजन बनिए और अवेयरनेस के साथ ही योग, जो अवेयर बंदा होता है उसी के अंदर योग का असली असर होता है। तो पहले अपने दिमाग में जो खिचड़ी बना रखी है हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, उसको क्लीन कीजिए, उसको सही नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन से पहले एक सफाई कीजिए उसकी, और जब वो अच्छा खासा एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा ना तो अपने आप योगा करने में मजा आएगा तब। तो दिस इज माई मैसेज टू एवरीबॉडी। आपने कहा ना कि ढूंढिए, रिसर्च करिए और कुछ अच्छा मिले तो उसको शेयर कीजिए, तो मैं शेयर आपके साथ यही कर सकता हूँ कि मैं इस वक्त है ना ये बूंदी वाली रबड़ी खा रहा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ओह माय गॉड, मुझे तो दूर से कैलोरीज आ गई हैं। बट कोई नहीं। तो इन शॉर्ट,
आप इतना कुछ कर रही हैं और इतना कुछ करने की सोच रही हैं. All the best. Thank you so much, Pulkit. And all the best to you for topic list tapri. मुझे नाम इतना पसंद आया था the moment I saw it. Like, I was like, ये हुई ना बात, लड़के ने चाहे कुछ भी कर रहा हो पॉडकास्ट में टॉपिक लिस्ट बातें कर रहा होगा, बट टॉपिक लिस्ट टपरी नेम से भैया मुझे तुमने फैन कर दिया. आई रियली लव यू. टॉपिक लिस्ट टपरी बिकॉज़ आई थॉट पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट टॉपिक्स ना. समटाइम्स पीपल डोंट टॉक अबाउट टॉपिक्स, समटाइम्स दे थॉट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज टॉपिक लिस्ट. सो थॉट इट्स ओके, इट्स टॉपिक लिस्ट, किसी के टॉपिक है किसी के टॉपिक लिस्ट. सो थॉट वही प्रोसेस था, बहुत सारे नाम थे, बहुत कुछ था. इट्स लाइक यूनिवर्सल एक थॉट मेरे माइंड में आया कि मुझे तरह तरह के लोग बुलाने हैं अपने पॉडकास्ट में, तो एक टॉपिक ना रखा जाए, एक टॉपिक ना रखा जाए जो टॉपिक लेस रहे, और एक टपरी रखा जाए जो कोई भी आए, कोई भी बैठे, चाय पिए, समोसा खाए, जलेबी खाए, चाहिए चाहिए ये सॉरी गिर गया, बूंदी ये बूंदी बूंदी वाली रबड़ी खाए, कुछ भी खाए, चाहे दिमाग ही खाए बट दिमाग ज्यादा हो सकता है खाए. हाँ, दिमाग खाए, ठीक है, खाए, पर आए और लुफ्त उठाए और मेरे व्यूज बढ़ाए. वाह वाह वाह, मेरी रीच बढ़ाए. क्या सोच है, बिकॉज सच्ची और सच्चे मन की बात बोल रही पुलकित ने इस तरीके से. वेरी गुड, दिल से दिल की बात है, ये तो निकल जाती है, क्या करें. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कहीं ना कहीं, रणबीर कपूर ने कहा था ना, कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुंचना पड़ता है. एग्जैक्टली. तो तुम कहीं पहुंचो और फिलहाल तो मेरी गाड़ी स्टेशन से निकलने वाली है. हमें अभी हम दोनों इस वक्त करीना कपूर हैं, हम दोनों इस वक्त दोनों करीना कपूर हैं, हमारी ट्रेन और बाबा जी बहुत एडवेंचर ऑलरेडी ला चुका है दिन में, ला चुके हैं बिल्कुल. मेरी लाइफ हमेशा भागती हुई ट्रेन में, ट्रेन ही पकड़ती रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ट्रेनें हैं जिन्हें पकड़नी है, और एक साथ में दो दो ट्रेनों में ट्रैवल करती हूँ, बिल्कुल क्या बोलते हैं रजनीकांत के जैसे बीच पे लटक के, तो वो भी कर रही हूँ मैं. तो मजा है, कभी फन है. तो ये टॉपिक लिस्ट टपरी का मजा ही इसमें है कि यहाँ पे लोग आए, बात करें, एंजॉय करें, कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कुछ इन्फोटेनमेंट करें, कुछ एंटरटेनमेंट करें, कुछ भी करें पर करें, तो क्रिएट ही करें. तो ये है टॉपिक लेस टपरी का मोटिव, एंड इस टपरी को चायोस में तब्दील करने की जिम्मेवारी आप जैसे गेस्ट के ऊपर ही है. बस मैंने बहुत लोगों को पैसा दिलाना है, ये मेरा मकसद हो चुका है. So yes, I don't want to grow alone. I want to grow with everybody, so that I don't become the tallest tree in the town and become alone. I want to grow and make a forest with everybody. So let's make it. And I know Pulkit, तुम करोगे. Consistency is the key. लिख दो कहीं अपने topic list टपरी के ऊपर एक board पे. ऐसा है, मैं इसी के ऊपर लिख दूंगा सबसे ऊपर. I will not write RJ Pulkit with Akanksha Thapliya. I will write consistency is the key. Said by Indian Yogi. That's it. I will do that. Unki consistency is the key. जो यहाँ पे हो गई बातें टॉपिक लेस बातों के बाद, अब हमें लगता है कि इस पॉडकास्ट को अभी हम क्लोज करते हैं, इस एपिसोड को. हमें इस पॉडकास्ट को और इस एपिसोड को अभी अल्पविराम देना पड़ेगा. हम आएंगे दोबारा हम इस और भी विषय है, हम उनसे बात करेंगे हमारे इंडियन योगिनी से, बिकॉज वो बहुत कुछ करती है और हमको बहुत सारे आइडिया दे सकती है, यू नो, लाइफ में निकलने के लिए फ्री में, मुफ्त में, बट बेसिक आइडिया तो ये देंगी, पक्का देंगी. तो गाइस, सो योगिनी जी, थैंक यू. Thank you for coming. धन्यवाद. Thank you for enjoying. धन्यवाद. Thank you for giving such an amazing and valuable info to us on this yoga day. हम लोगों को समझाने के लिए और योग का महत्व बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद आपका हमें बुलाने के लिए पुलकित जी. So guys, if you want to follow Akanksha Thapliya, all you need to do is अपने इंस्टाग्राम खोलिए और फॉलो कीजिए द इंडियन योगी.
Am I right? यही है ना? नहीं अब चेंज हो गया ना, मैंने बोला ना स्टोरी टेलिंग योगी नहीं है. Oh yeah, yeah. Even you can follow her there also. Or Audio Vani तो है ही है इनका, चलता ही है. Audio Vani is my podcast production venture, जहाँ मैं help करती हूँ लोगों को podcast produce करने में and guide करने में. And storytelling yogini mera personal profile hai, so you guys can go there and of course do listen if you are into yoga and want to know about yoga philosophy, yoga ke bare mein kuch alag tarike ki baatein sunna chahte hain, to mera podcast hai Yoga Dialogue Podcast. Aap Spotify, Google, Hubhopper har jagah sun sakte ho. Same here, main bhi sab jagah hu, bas abhi do jagah reh gaya hai, wo abhi ho jayega thodi din baad, baaki main sab jagah hu. Aaj kal parso main Amazon pe bhi aa gaya. सबसे इम्पोर्टेंट है अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. बाय बाय, टेक गुड केयर.